कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि जो भी साड़ियां आई हैं वो केवल कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए आई हैं, अमेठी की जनता के लिए नहीं आई हैं। देखिए, जब साड़ियां 10,000 आएंगी तो जाहिर है कि कई लाख मतदाता हैं, 12-14 लाख के करीब मतदाता हैं, सभी मतदाताओं को साड़ियां दी नहीं गई हैं। न कोई इस समय चुनाव है कि उसको कांग्रेस के लोग ये आरोप लगाएं कि नहीं मतदान को प्रभावित करने के लिए साड़ियां बांटी जा रही हैं। ये बिल्कुल सही है कि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अगर उपहार देता है तो अपने नादमात्र रिश्तेदार को देता है, अपने प्रियजनों को देता है, अपने मित्रों को देता है, और जिनका दीदी से लगातार संबंध रहा है, बूथ के हमारे अध्यक्षों का, बूथ के अध्यक्ष के ऊपर के पदाधिकारियों का, उनके घरों हमेशा आती जाती रही हैं, और इसलिए स्वाभाविक एक स्नेह जागृत हुआ है उनके मन में, और इसलिए पहले चरण में उन्होंने बूथ अध्यक्ष से लेकर ऊपर के सभी पदाधिकारियों का, केवल पदाधिकारियों को साड़ी नहीं बांटी गई, बूथ अध्यक्षों तक के घरों में बहनों को साड़ी का वितरण हुआ है। आज मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि स्मृति जी जो 2014 के बाद आज तक यहाँ के गरीब लोगों की सुध नहीं लिया, अब जो 2019 का चुनाव आ रहा है तो सारी वितरण वो भी अपने तथाकथित कुछ कार्यकर्ताओं को, गरीबों की सेवा भावना तो कभी भी उनके अंदर नहीं रही है। हम सब के नेता माननीय राहुल जी हमेशा ही अमेठी की जनता के प्रति, यहाँ के गरीबों के प्रति स्नेह रखते हैं, ठंडियों में कंबल वितरण का कार्य करते हैं, उनके इलाज में लगे रहते हैं, जो भी हो सकता है सेवा भाव से राहुल जी के निर्देश पे हम लोग करते हैं और ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। ये बीच में तमाम तीज त्यौहार आए, ना स्मृति ईरानी जी ना उनके तथाकथित लोग कभी भी अमेठी में लोगों के बीच में कोई सेवा का काम किए हो तो बताएं।